गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है, यदि हमारे पास दो राशियां मान लें ए व बी, ये दो राशियां ए व बी क्या हों, एक ही प्रकार की हों, एक ही प्रकार की हों, तो भिन्न ए अपान बी अनुपात कहलाती है। अनुपात कहलाती है। ठीक है, क्या होता है अनुपात हमारे पास, कि यदि दो राशियां ए व बी एक ही प्रकार की हों तो जो भिन्न होगी ए अपान बी वो क्या कहलाएगी, अनुपात कहलाती है। ठीक है, अनुपात को हम कैसे लिखते हैं, अनुपात को हमको लिखना है अगर है तो हम लिखते हैं ए रेशियो बी। ठीक है, इसको क्या पढ़ाता है, हम पढ़ते अगर है तो पढ़ते हैं ए अनुपात बी। यहाँ पर जो तुम्हारा ए होता है वो तुम्हारा क्या होता है, पूर्व पद होता है, और जो तुम्हारा बी होता है वो क्या होता है, उत्तर पद होता है। ठीक है, और जो ये साइन होता है इसको ही क्या हम बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ेंगे ए अनुपात बी। ठीक है, और अनुपात में होता क्या है, अनुपात में हमारे पास दो राशियां होंगी तो एक ही उनकी जो इकाई होगी वो एक ही प्रकार की हो, है ना, तो जितनी भी भिन्न होंगी हमारी सभी क्या होती हैं, अनुपात होती हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर अनुपात के गुण भी होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, अनुपात के गुण कि उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, क्या क्या उनमें क्वालिटीज होती है। ठीक है, तो पहले नंबर पर होता है कि जो मेरा रेशियो होता है वो तभी संभव होता है जब हमारे पास जो दो राशियां होती हैं उनकी यूनिट सेम हो। जैसे अगर वो यूनिट मीटर में है तो दूसरी यूनिट भी तुम्हारी मीटर में होनी चाहिए, अगर एक तुम्हारी किलोमीटर में है तो दूसरी भी कैसी होनी चाहिए, किलोमीटर में होनी चाहिए, अगर एक तुम्हारी किलोग्राम में है तो दूसरी भी क्या होगी, किलोग्राम में होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक तुम्हारी ग्राम में है तो दूसरी भी क्या हो, ग्राम में हो। ठीक है, मतलब अनुपात हमारा तभी संभव होता है जब दो राशियां क्या होती हैं, एक ही इकाई में होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है 2 मीटर, ठीक है, और क्या लिखा है, 3 मीटर, समझे, तो यहाँ पर अनुपात संभव है, इसको हम लिख देंगे क्या, 2:3 या फिर 2/3। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि कभी कभी एक ही प्रकार की राशियों की इकाई अलग अलग दी होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक ही प्रकार की जो राशियां होती हैं, तुम्हारे पास राशियां तो एक ही होंगी। ठीक है, मान लिया राशि हमारे पास लंबाई की ले लो, ठीक है, तो वहां पर राशि तो एक ही है लेकिन क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, उनकी जो इकाई होती है वो कैसी होती है, अलग अलग हो जाती है, एक मीटर में हो तो दूसरी क्या हो जाए, किलोमीटर में हो जाए, तब इन राशियों क्या करते हैं, समान राशियों में बदल देते हैं। एंड प्रायः क्या करते हैं हम, जो बड़ी इकाई होती है, ठीक है, बड़ी यूनिट होती है उसको हम क्या करते हैं, छोटी यूनिट में चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया लिखा है मेरे पास कि 3 किलोमीटर और लिखा है तुम्हारे पास और 5 मीटर, ठीक है, तो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। अभी हमने बताया कौन सी यूनिट चेंज होती है, तुम्हारी जो बड़ी यूनिट होती है उसको हम कर देंगे छोटी यूनिट में, किलोमीटर तुम्हारा बड़ा होता है ना और मीटर तुम्हारा छोटा होता है, तो इस जो 3 है यहाँ पर इसको हम कर देंगे मीटर में चेंज करते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, मतलब 3 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 3000 मीटर होंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, तो ये रेशियो तुम्हारा तब संभव होगा जब मेरे पास क्या होंगी, दो एक ही राशि हो लेकिन उनकी यूनिट क्या हो, अलग अलग होती है, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी यूनिट होती है उसको हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड तीसरी आपकी जो होती है प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो अनुपात होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक प्रकार की भिन्न होती है, जो हमारे पास अनुपात होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की भिन्न होती है, ठीक है, जिसकी कोई भी तुम्हारे पास इकाई
नहीं होती है, समझे। जैसे मान लिया मेरे पास लिखा हो कि 4 ग्राम और लिखा हो मेरे पास 7 ग्राम, तो अगर इसका हम रेशियो लिखते हैं तो ना कि ये लिखेंगे 4 ग्राम रेशियो 7 ग्राम, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 4 ग्राम अपॉन 7 ग्राम। अब यहाँ पर देखो ग्राम ग्राम तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारा 4/7, मतलब आ जाएगा 4:7। तो जो मेरा अनुपात होता है उसकी कोई भी जो इकाई होती है वो नहीं होती है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे पास, मेरे पास चौथी प्रॉपर्टी होती है यदि अनुपात की राशियों का हम क्रम बदल देते हैं, ठीक है, तो हमारा अनुपात भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 4:7, ये तुम्हारा कोई अनुपात दिया है, यहाँ पर एक राशि तुम्हारी 4 है, दूसरी क्या है 7 है, अगर इसका हम क्रम चेंज करते हैं क्या 7:4, अगर ऐसे कर दें तो हमारे पास देखो जो अनुपात आएगा इसका अनुपात होगा क्या होगा 4/7 भिन्न हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 7/4। मतलब अगर अनुपात को हम क्या करते हैं राशियों का क्रम बदलते हैं तो हमारे पास जो राशि होगी वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, पांचवी प्रॉपर्टी होती है इसकी, यदि अंश और हर दोनों में हम कोई भी समान अंक से क्या करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे उस अनुपात में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम क्या करें अभी 4 मान क्या ले लें 5 ले लें, ठीक है, या फिर कहते हैं हम 4:5 क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या करें हम, अगर हम 2 से गुणा कर दें और क्या कर दें 2 से भाग कर दें, सॉरी 2 से अगर ऊपर गुणा करेंगे तो 2 से ही नीचे कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 × 8 एंड 5 × 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करें कोई भी संख्या से भाग करते हैं, तो जैसे मान लिया हम कर दें इसमें 4, इसको हम कर दें किससे 1 से कर दें एंड इसको भी कर दें 1 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 4/5। या फिर कोई और ले लेते हैं, मान लिया मैंने ले लिया तुम्हारे पास कोई एक है मेरे पास 4, या फिर ले लिया हमने एक है 6 और एक है तुम्हारे पास कौन सी संख्या 4, ठीक है, ये तुम्हारे पास लिखा है 6:4। यहाँ पर क्या करें अगर हम 2 से भाग करते हैं, तुम्हारी ऊपर भी क्या हो जाएगी 2 से ही नीचे भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3/2 आता है ना। तो मतलब अगर हम सामान्य संख्या से क्या करते हैं समान संख्या से अंश व हर दोनों में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कोई भी चेंजिंग अनुपात में नहीं होती है, ठीक है। अगर इसको देखें अभी तो क्या लिखा है 2, 3, 6, 2, 2, 4 तो लिखा है ना। नेक्स्ट तुम्हारा आता है कि तुल्य अनुपात क्या होता है, तुल्य अनुपात क्या होता है, तुल्य अनुपात क्या होता है, तुल्य अनुपात होता है यदि हम क्या करें किसी भी अनुपात में क्या करें हम कि समान संख्या से किसी अनुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से गुणा या भाग करने पर, ठीक है, हमें दिए गए अनुपात के तुल्य कोई अनुपात प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं तुल्य अनुपात कहते हैं। जैसे मान लिया कि हम क्या करें अभी यही देख लो 5/4 मेरे पास 4 लिखा है, ठीक है, इसको हम क्या कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 3 से कर दें तो हो जाएगा 5 × 3 = 15 एंड 4 × 3 = 12, तो जो 5/4 होगा वो तुम्हारा होगा 15/12 के इक्वल, ठीक है। तो हमें क्या होता है इसको हम क्या कहते हैं तुल्य अनुपात कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक। अब इसका न्यूनतम या सरलतम रूप क्या होता है, अनुपात का न्यूनतम या सरलतम रूप क्या होता है, तो इसका जो सरलतम रूप होता है अनुपात का वो क्या होता है, अगर हम ए रेशियो बी लिखा है, ठीक है, इसको हम सरलतम रूप में कह सकते हैं ये तुम्हारे पास ए बी का मासा मतलब एचसीएफ कितना हो 1 हो। जैसे मान लिया हम कोई ले लेते हैं तुम क्या, जैसे मान लिया हमने ले लिया 7:8 है ना, तो इसको हम सरलतम रूप में कह सकते हैं कि ये सरलतम रूप में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो तुम्हारे पास 7 और 8 है उसका एचसीएफ क्या है कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है, समझ गए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हमारी जो है वह नेक्स्ट एक्सरसाइज है 12.1।
एक्सरसाइज 12.1। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया है निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरे पास पहले क्वेश्चन में दिया है निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए, लिखा है 81 का 135 से। ठीक, पहले का काम एक्सरसाइज नंबर 12.1। ठीक, पहले का नंबर देखते हैं। पहले का नंबर तुम्हारा दिया है 81 का 135 से क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है। ठीक है, तो 81 का 135 से देखते हैं अनुपात क्या होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 81 का लिखा है 81/ क्या हो जाएगा 135। ठीक है, इसको हम कट करते हैं, मिनट कट हो जाएगा 3 से चेक करते हैं कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, फिर कट होगा 3 × 9 = 27 एंड कितना हो जाएगा 3 × 9 = 3, 3 × 5 = 15, ये कितना आ गया 9/15। ठीक है, इसको भी अगर हम कट करते हैं तो फिर कट हो जाएगा 3 × 9 एंड 3 × 5 = 15, मतलब ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3/5। तो जो इसका रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 3:5। ठीक है, अगर हमें 81 का 135 से अनुपात बताना होगा तो क्या हो जाएगा 81/135, इसको हम सरल कर लेंगे कितना आ जाएगा 3/5 है, तो इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं 3:5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 98 का 63 से, इसको आप लोगों को करना है। ठीक है, आपका होमवर्क है। गा नंबर दिया है 44 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से। देखो अब यहाँ पर तुम्हारे में सेम यूनिट है। ठीक है, यहाँ भी किलोमीटर है और यहाँ भी किलोमीटर है। ठीक है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा एंड 44/ क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको डिवाइड कर लेना, कट कर लेना और तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर गा भी तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। गा भी ऐसे ही है। ठीक है, मिनट और मिनट दिया है। ठीक है, मतलब सेम यूनिट दिए हैं, क्या करेंगे 30/45 कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, इसका भी रेशियो हो जाएगा। तो खा गा एंड घा इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 2 लिखा है निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला दिया है पहले का 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, है ना। देखते हैं 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें हम तो इसको लिख देंगे हम, पहले हम जो हमारे पास हमने बताया था अभी कि जो मेरे पास बड़ी इकाई होती है उसको हम क्या करते हैं छोटी इकाई में हमेशा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम छोटी इकाई में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं बताओ, 1 मीटर बराबर मेरे पास 100 सेंटीमीटर होता है। वन मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 1.5 मीटर दिया है, इसको हम कर लेंगे 1.5 × 100, कितना हो जाएगा ये 15 00, 1 के बाद पॉइंट लग गया, 0 हट जाएगा, देन क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, अब इसको अनुपात में चेंज करना है, लेंगे 4/150 सेंटीमीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 4/150, इसको कैंसिल करते हैं, 2 × 4 = 14 एंड क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, मतलब आ जाएगा 2/75 जाएगा 2:75। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर खा पे। खा क्वेश्चन दिया है आपका 60 मिलीलीटर का 1.8 लीटर में, तो जो तुम्हारे पास 1.8 लीटर दिया है, ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, वहाँ से इसको हम चेंज कर लेंगे और वहाँ से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा।
नेक्स्ट दिया है आपका 30 मिनट का 1 घंटा 30 मिनट से, तो इसको क्या करना है मिनट में ही चेंज कर लेना है, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होता है 60, एंड 30 मिनट और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 मिनट, और 30/90 कर लेंगे, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। फिर दिया है 500 मीटर का 2 किलोमीटर से, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में मैंने बताया था किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो देन क्वेश्चन खा गा एंड घा इच हुआ होमवर्क। तीसरा देखते हैं, तीसरा लिखा हुआ है आपका निम्न अनुपातों को उनके सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। दिया है 7 किलोग्राम का 700 ग्राम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो मेरे पास किलोग्राम है उसको हम क्या कर लेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है अनुपात मेरा तभी बनता है जब मेरे पास क्या होनी चाहिए, समान इकाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम चेंज करेंगे, तीसरे का नंबर दिया है 7 kg का 700 ग्राम में, ठीक है। सबसे पहले हम 7 kg लिखते हैं, 7 kg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 1000 ग्राम, मतलब कितना हो जाएगा 7000 ग्राम, ठीक है। अब इसको हम सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, 7000 ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा 700 ग्राम, ग्राम से कैंसिल ग्राम, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 1 हो जाएगा, मतलब आएगा 10/1, यह आ जाएगा तुम्हारे पास 10:1, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी तुमको ऐसे ही करना है, 75 पैसे लिखे एंड 5 रुपये लिखे, रुपये को क्या कर लेंगे हम पैसे में चेंज कर लेंगे, ठीक है, और वहाँ से हम क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है 3 सेंटीमीटर का 35 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो वैसे ही क्या करना है, इसको मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है, ठीक है, वहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। घा नंबर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर खा गा एंड घा इज योर होमवर्क। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पहला लिखा है निम्न में से प्रत्येक के 3 तुल्य अनुपात लिखिए, ठीक है। अब दिया है फर्स्ट नंबर 2 अनुपात का, तुल्य अनुपात होते क्या है, मैंने बताया अभी कि तुल्य अनुपात क्या होते हैं, जिसमें हम किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या आती है, उसी के तुल्य, उसी के समान कोई ना कोई अगली संख्या आती है, ठीक है। और जो मेरे पास भिन्न आती है उसको हम क्या कर लेते हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है 4 का नंबर 2:5, ठीक। तो यहाँ पर इसको अगर लिखे तो लिख देंगे 2/5, तो अगर इसका पहला अनुपात निकालेंगे तो इसको हम कर दें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2×2=4 एंड 5×2=10, यहाँ से इसका रेशियो कितना आएगा 4:10, ठीक है। अगर इसका हम दूसरा अनुपात निकालें 2:5 का, तो इसको हम कर दें क्या 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे भी क्या कर दें 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15। इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6:15, ठीक है। 3 निकालना है तुमको, क्या कर देंगे 2/5 लिख देंगे इक्वल टू 2/5, फिर इसको हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा तुम्हारे पास 8/20। इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं 8:20, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास 3 क्या हो गए, इसके तुल्य अनुपात हो गया। तुल्य मतलब क्या होता है, बराबर। अगर देखें यहाँ पे तो बराबर ही तो है, 2 से इसको कट कर दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा 2×2=4, 2×5=10, फिर उतना ही आ जाएगा ना, तो मतलब इसके बराबर ही तो होगा। देन क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है इसमें, 6:11, इसको भी वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ भी तुम क्या कर देना, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देना आंसर हर में, फिर 3 से कर देना, फिर 4 से कर देना, ठीक है। तीसरे वाले में भी ऐसे ही करना, घा नंबर में भी एंड घा नंबर में तुमको ऐसे ही करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर गा खा गा एंड घा इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर
हाइप देखते हैं, लिखा है राजा तथा रानी उतर 1 घंटे में चली गई, दूरी क्या है 6 किलोमीटर था 4 किलोमीटर है। राजा की चाल का एंड रानी की चाल का क्या बताना है तुमको, अनुपात बताना है, ठीक है, कि यहाँ पर जो राजा की चाल है और रानी की चाल से कितनी ज़्यादा है, ठीक है, उन दोनों में क्या बताना है, अनुपात बताना है तुमको। अगर यहाँ पर देखे तो राजा द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है 6 किलोमीटर है, ठीक है, और तुम्हारे पास अगर हम देखें रानी द्वारा चली गई 1 घंटे में दूरी तो कितनी है 4 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पर राजा की चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटे क्या होता है मेरे पास, हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, तो मेरे पास दूरी कितनी 6 किलोमीटर है ना, एंड समय कितना लगेगा 1 घंटा, तो क्या हो जाएगा 6/1 हो जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। एंड फिर हम क्या करेंगे, रानी की चाल निकालेंगे, तो रानी की चाल क्या हो जाएगी 4/1 हो जाएगी, मतलब आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से दोनों की चाल का अनुपात निकाल लेंगे, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिए राजा द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, क्या दी है आपके पास, राजा द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 6 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। देन रानी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर घंटे में दिया ना, ये आपका समय दिया है, तो मतलब यहाँ पर समय कितना दिया है आपका, 1 आवर दिया है ना, दोनों में सेम है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम राजा की चाल निकालें तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, आपकी दूरी कितनी है यहाँ पे 6 और समय कितना लगा है 1 घंटा, ये तुम्हारे पास 6 किलोमीटर और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 घंटा, ठीक। तो यहाँ से क्या जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना। अगर यहाँ से हम रानी की चाल निकालें, रानी की चाल तो वो भी हो जाएगी आपकी दूरी बटे समय, क्योंकि मेरे पास चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो हो जाएगा 4 किलोमीटर अपॉन क्या हो जाएगा 1 आवर, ठीक है। इसको अगर लिखे तो लिख सकते हैं 4 किलोमीटर पर आवर। अब इनको इनका क्या बताना है, हमको रेशियो बताना है, तो मतलब राजा की चाल अपॉन रानी की चाल क्या हो जाएगा, राजा की चाल कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर एंड रानी की चाल कितनी है आपकी 4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, मतलब कितना जाएगा 3/2। अगर यहाँ से इन दोनों का रेशियो देखेंगे कितना आएगा 3:2 एंड दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से आपका होमवर्क देख लेते हैं, एक खा गा एंड घा इज योर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में खा गा एंड घा इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 खा गा एंड घा इज योर होमवर्क, 4 नंबर में खा गा एंड घा इज योर होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क, कैसे लगाना है इसको। लिखा है एक विद्यालय में एक वर्ष में 146 अवकाश है, अवकाश के दिनों तथा एक सामान्य वर्ष के दिनों में अनुपात क्या होगा, ठीक है। हमारे पास अवकाश के दिन कितने हैं 146 हो जाएंगे, ठीक है, और एक वर्ष में दिन कितने होते हैं, एक सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं 365 होते हैं, तो मतलब हो जाएगा 146 एंड अपॉन 365 हो जाएगा, ठीक है। वहां से हम कैंसिल कर लेंगे, जो मेरे पास आएगी वैल्यू तो वही क्या हो जाएगी मेरी, इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लिए। थैंक यू क्लास।